साल 2020। जब कातिल कोरोना कहर ढा रहा था, देश पाबंदियों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लॉकडाउन लग चुका था, लोग घरों में बंद थे, बड़ी आबादी बेरोजगार हुई थी, तब कई लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग का रास्ता अपनाया था। देहरादून के डोईवाला के रहने वाले वैभव ने भी ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू की। घर के कमरे में बैठकर ट्रेडिंग करता था, वो क्रिप्टो में ऑनलाइन ट्रेडिंग करता था, एक ही कमरे में बंद रहता था, सिर्फ खाना खाने के लिए वैभव कमरे से निकलता था। पिछले 3 सालों से वैभव का यही रूटीन था, लेकिन धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा। जब वो खाना खाने के लिए घर से निकलता, अपने पिता के साथ बैठता तो इस्लाम के बारे में बात करता, एक कट्टर मुसलमान की तरह धार्मिक बातें करता। आखिरकार वैभव के पिता पुलिस के पास गए। पिता की शिकायत पर जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो पता चला कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करते करते वैभव इस्लाम समर्थक बन गया था। ऑनलाइन कई ग्रुपों से जुड़कर नमाज पढ़ना भी सीख गया, उर्दू बोलने लगा और धार्मिक गतिविधियां भी संचालित करने लगा। पुलिस को वैभव के कमरे से एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। वैभव बिजलवान शर्मा श्री कृष्ण का बिजलवान, ये 24 वर्ष के नवयुवक है और ये डोईवाला में जो गढ़वाली कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला है। ये विगत 3 साल से इसका जो एक एबनॉर्मल बिहेव इसके परिजन ने ऑब्जर्व किया है। वैभव के दिमाग में ऑनलाइन मजहबी वायरस का अटैक हुआ और वो धार्मिक रूप से संक्रमित हो गया। पुलिस वैभव से पूछताछ कर रही है, वो किसके प्रभाव में था इसकी तहकीकात चल रही है। देहरादून में ऑनलाइन माइंड वॉश कर धर्मांतरण करने की जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में ऑफलाइन कन्वर्जन का इल्जाम लगा है। साल 2018, रैन बसेरा चांदनी महल। आरोपों के मुताबिक कलीम नाम का शख्स रैन बसेरा में रहने के लिए आया। इस दौरान वो संदीप सागर नाम के शख्स के करीब आया, उससे दोस्ती की और फिर कलीम संदीप को कट्टरवाद की घुट्टी पिलाने लगा। संदीप को इस्लाम धर्म कबूलने के लिए माइंड वॉश करने लगा। धर्म को लेकर के मेरे को फोर्स कर रहा था पिछले 4 सालों से। 4 सालों से कौन? कलीम नाम का एक व्यक्ति था जहां मैं ड्यूटी करता था। वहां पहले 2018 से 19 तक मेरे साथ रहा था ये, वहां पे वहीं से मेरे पीछे लग गया था। मैं इसको मना करता था, अभी रिसेंट में इसने 5 स्थानों में मेरे अगेंस्ट मुकदमे दर्ज कर दिए। संदीप के आरोप पर पुलिस ने कलीम को गिरफ्तार कर लिया, मगर जब जांच आगे बढ़ी तो धर्मांतरण की पापी कहानी में कई किरदार सामने आए। मसलन संदीप सागर, जिसने जबरदस्ती कन्वर्जन का आरोप लगाया, मोहम्मद कलीम, जिस पर कन्वर्जन का जाल बुनने का आरोप लगा है, मोहम्मद अब्बास, जो कलीम का करीबी था और धर्मांतरण कर संदीप से अब्बास बना था, मोहम्मद सलीम चौधरी और मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर। कलीम जब रैन बसेरा में रहता था तो अब्बास और संदीप उससे मिलने के लिए आता था। कलीम के असर में आने के बाद संदीप ने अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ बदल लिया और वो अब्बास बन गया था। कलीम के पास एक मदरसे की पर्ची मिली। सीलमपुर मदरसे की पर्चियां काट कर कलीम पैसे इकट्ठा करता था। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कलीम अपने काम को आगे बढ़ा रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर भी पुलिस के रडार पर आ गए। We'll be right back.